है एवरीवन, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम क्विक और बहुत जल्दी बनने वाली कटहल की रेसिपी। और कटहल के साथ मैं आलू भी डाल दूँगी। आलू और कटहल की सब्ज़ी हम बनाएंगे जो बहुत यम्मी और टेस्टी लगता है। वैसे तो कटहल की सब्ज़ी जो है आप सूखे मसाले के साथ भी बना सकते हैं और ऐसे ग्रेवी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल और आलू की ग्रेवी वाले सब्जी। तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ करीब मैं 1 kg कटहल ली हूँ जिसको मैं काट ली हूँ। और ग्रेवी के लिए हम कुछ 2 टमाटर 2 प्याज 1 लहसुन और 2-4 हरी मिर्च कुछ खड़े मसाला लिए हैं इसी तरीके से। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे कटहल को तो मैं पहले से ही काट ली हूँ अच्छे से। अब काटने के बाद इसको एक बार अच्छे से धो लिए हैं। तो चलिए कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ गैस ऑन करके और इसको हम डाल देंगे ऑयल। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो ऑयल डाल दिए। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में भी कटहल की जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ हम कटहल को फ्राई करके बनाएंगे इस तरीके से। तो एक एक करके हम फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम एक ही साथ हम डाल देते हैं। और इसको बिल्कुल थोड़ा सा टाइम तो लगेगा एक साथ डाल दिए तो, और थोड़ा थोड़ा मतलब फ्राई करो तो वक्त जो है कम लगता है। तो मैं यहाँ पे एक साथ डाल दी हूँ। तो इस तरह से हल्का एकदम हल्का हल्के से हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसी तरीके से सारे कटहल को हम फ्राई कर लेंगे। और 2 आलू लिए हैं, बड़ा 2 आलू। तो इसको मैं क्या करूँगी, छील लेती हूँ ऊपर इसका सारे जो छिलके हैं ना उसको निकाल लेते हैं। चलिए सारे छिलके हम इस तरीके से हम निकाल देते हैं। और एक बार आप ज़रूर आलू डाल के आप ट्राई कीजिए, अच्छा लगता है, यम्मी लगता है। तो मैं आलू जो है बिल्कुल यहाँ हम छील लिए हैं और इसको हम कट कर देते हैं थोड़ा सा बड़े स्लाइस में। आप अपनी मन पसंद के आप आलू को काट सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए मैं आलू सारे आलू इस तरीके से हम काट लेते हैं। बिल्कुल जो है आलू जो है हमारा कट गया है। तो इसको अच्छे से हम एक बार धो लेते हैं, जो उसमें पानी जैसे निकलता है ना आलू का वो हम निकाल देंगे बिल्कुल अच्छे से। और एक पानी धोकर हम साइड में रख देते हैं। चलो कटहल को देखते हैं। कटहल हमारा बिल्कुल यहाँ फ्राई हो गया है। देखिए दही में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस के साथ आप इसको एक साथ डाल कर भी आप फ्राई कर सकते हैं। और इसको सारे कटहल को हम क्या करते हैं थाली में निकाल लेते हैं। इसको इसी तरीके से एक करके जितना मैं इसमें तेल डाली थी ना बिल्कुल वो कटहल जो अब्जॉर्ब कर लिया था, फिर भी थोड़ा सा बचा था। तो मैं उसी में क्या करूँगी आलू को, सारे आलू को इस तरीके से हल्का हल्का इसको भी मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी। तो चलिए हम ग्रेवी के लिए टमाटर अदरक और प्याज को काट लेते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल आप कटहल की जो सब्ज़ी ना आप जितना उसमें आप मसाला डालो अदरक लहसुन प्याज टमाटर और वो जो भीना भुना तुरंत जो मसाला खड़े मसाला भून के पीसते हैं ना उसका तो खुशबू और तो और बहुत अच्छा आता है। और साथ में कटहल की सब्ज़ी का स्वाद और बहुत टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है। तो जितना मसाला पड़ता है ना कटहल में उतना ही बहुत टेस्टी लगता है। जैसे नॉनवेज की नॉनवेज से भी बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो नॉनवेज वाले लोग इसको खाते भी नहीं कई लोग कि नॉनवेज जैसे लगता है ऐसे करके, क्योंकि बनता ही वैसे अच्छे से मसाला डाल के बनाओ तो। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे जो प्याज हरी मिर्ची को भी इसी तरीके से छोटा छोटा तोड़कर उसमें क्या करूँगी पेस्ट हम बना लेते हैं। तो मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी सारे जो पेस्ट बनाए हैं ना उसको इस तरीके से। सब कटहल की सब्ज़ी अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं तो मैं कुछ इस तरीके से भी बनाती हूँ। तो टमाटर को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे
पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब आलू को देखिए बिल्कुल कम आलू कम जो ऑयल में इस तरीके से हल्का से उसको ब्राउन कलर कर लिए हैं। गैस फ्लेम बिल्कुल लो किए हैं, लो किए हैं तभी अच्छे से आलू जो है एकदम क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई हो गया है। तो चलिए इसको मैं क्या करूँगी प्लेट में निकाल देते हैं। तो हम इस वक्त इसमें डालेंगे ऑयल की ज़रूरत है तड़का लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे ऑयल डाल देते हैं। चलिए हम ऑयल डाल देते हैं जितना हमें ज़रूरत है उतना ही, और मसालों को हम भून लेंगे। तो पहले यहाँ तड़का के लिए एक सिमिन और एक जो है बड़ा इलायची, दो तेज़पत्ता, सरसों भी डालें, थोड़ा सा सरसों है, जीरा है, और यहाँ पे हम जो मेथी के दाना भी डाल दिए हैं करीब 1 पिंच। बहुत तो मतलब यम्मी और टेस्टी लगता है, उसका स्वाद ना बहुत अच्छा आता है, भिनी भिनी खुशबू आता है जब हम मेथी दाना जब उसमें डालते हैं ना सरसों मेथी के साथ में, तो बहुत टेस्टी लगता है और उसका भिनी भी आता है, भिनी भिनी जो खुशबू। और सारा पेस्ट हम यहाँ पे डाल दिए हैं, उसको क्या करेंगे थोड़ा सा हम चम्मच से चला दिए हैं। और देखिए यहाँ पे करीब मैं डाली हूँ 1 चम्मच जो है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरे का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, और 1 चम्मच जो है गरम मसाला, और नहीं गरम मसाला नहीं डाली यहाँ पे मिर्च के पाउडर। अभी गरम मसाला हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे, बस 2-4 मसाला को इस डाल के हम थोड़ा सा चम्मच चला दें। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम यहाँ लो रखे हैं। हाँ यहाँ पे मैं डाल दी हूँ एकदम गरम मसाला जो एकदम खड़ा जो अपना घर में बनाते हैं ना घर का मसाला वो यूज की हूँ। तो जो पेस्ट बनाई थी टमाटर के प्यूरी उसको हम ऐड कर देंगे और इसको भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। और जितना हम अच्छे से मसाला को तैयार करेंगे भूनेंगे उतना ही कटहल की सब्ज़ी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर हम भून लेते हैं इसी तरीके से। और कटहल को उतना भूनने की ज़रूरत नहीं रहता है, अब एक बार उसको अच्छा से तल दो। बस मेन चीज़ इसमें क्या रहता है अपना जो मसाला अच्छे से भुनना चाहिए। अच्छा भुना रहता है, अच्छा से पका रहता है ना, तो सब्ज़ी जो है टेस्टी लगता है। तो यहाँ नमक भी डाल दी हूँ और नमक के साथ स्वाद अनुसार मैं नमक डाल दी हूँ। और उसके बाद जो फ्राई किए थे ना आलू उसको भी हम डाल दिए हैं। और चलो यहाँ पे करीब मैं 1 चम्मच जो है कसूरी मेथी डाली हूँ उसको हाथ से अच्छे से मसल के। तो सारे मसाले को हम इस तरीके से आलू के साथ अच्छे से हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रख देंगे ताकि सारा मसाला जो है आलू के साथ अच्छे से भुन जाए। और यहाँ लिड से थोड़ा सा कवर कर देते ताकि थोड़े से भाप में जो है आलू के साथ सारे मसाले एक साथ हो जाए। सॉरी मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाई कटहल को डाल दी थी तो भूल गई थी कैमरा ऑन करने के लिए। और यहाँ पर मैं कटहल को डाल दिए और अच्छे से हम क्या किए मिला दिए हैं। तो बिल्कुल आप अगर सूखी सब्जी चाहिए तो आप इस वक्त बिल्कुल हमारी सब्ज़ी तो रेडी है सूखी सब्जी के लिए, बस इसमें हरा धनिया का गार्निश करो रेडी है। तो हम क्या बनाए करेंगे इसको थोड़ा सा हम ग्रेवी वाली बनाएंगे। तो ग्रेवी वाली के लिए हम इसमें पानी डाल देते हैं। आलू और कटहल ग्रेवी सब्जी ना बहुत यम्मी लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी वीडियो को लास्ट तक आप बिना स्किप किए ज़रूर देखिए, अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पानी हमने यहाँ पर डाल दिए करीब 2 गिलास डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे और लिड से ढक देते हैं ताकि अच्छे से सारे मसाला और सब्जी अच्छे से पक जाए। देखिए थोड़ा सा और लगेगा 3-4 मिनट, तो इसको इस तरीके से और अच्छे से हम पका लेते हैं। हम लीड से और कवर कर दिए थे ताकि अच्छे से पक जाए। और देखिए कटहल और आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बिल्कुल पक गया है, रेडी हो गया है। तो चलो हम गैस यहाँ पे क्या करेंगे बंद कर लेते हैं। गैस हमारा बंद हो गया और बिल्कुल एकदम ताज़ा और हरा धनिया से हम इसको सजा लेते हैं। कैसे लगे मेरी सब्ज़ी आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए
और बताइए, और नीचे में कमेंट ज़रूर कीजिए कि मेरी वीडियो कैसे लगा आपको। और नेक्स्ट मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।